Welcome to my channel, my dear friends and my dear students. Today we will discuss about very important topic. The topic is how to solve question papers in the exams. प्यारे बच्चों, अक्सर आप कहते हो कि अमुक बच्चा मेरे से कम नंबर लेता था, उसकी तैयारी मेरे से कम थी, मेहनत भी कम करता था, लेकिन उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ गए। कारण क्या है कि बच्चों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप फॉलो करो तो आपके 5-7 नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। वो क्या है कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पेपर से एक दिन पहले रात को पेपर की तैयारी करो, परीक्षा भवन जाने की तैयारी करो। कम से कम 3 अच्छे पेन जो हैं उनका चुनाव कर लीजिए, जिसका फ्लो बहुत अच्छा हो। 2 पेंसिल अच्छे ढंग से शार्पन करके रख लीजिए, रबर, फुट्टा, और इसको ज्योमेट्री बॉक्स में रख लीजिए। परीक्षा भवन चले गए, वहाँ आपको उत्तर पत्री मिले। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर बहुत बहुत अच्छे ढंग से लिखो। पहले उसको फिगर्स में लिखना है, फिर उनको शब्दों में लिखना है, और अपने साथ रोल नंबर की पर्ची लेकर जाओ और उससे उसका 2 बार मिलान कर। ये ना हो कि आप रोल नंबर ही गलत लिखो। आजकल रोल नंबर लिखने का ढंग एक और हो गया है कि नीचे 10 गोले दिए होते हैं, हर डिजिट्स के नीचे उनको आपको काला करना होता है। फॉर एग्जांपल, आज आपका रोल नंबर जो है 440 है, तो पहले बाईं तरफ से आप शुरू करोगे, अपने पहला 4 नंबर का गोला, फिर 4 नंबर का, फिर 0 नंबर। रोल नंबर लिखने के बाद जो भी पहले पेपर पर आपको लिखा गया है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन का नाम, ठीक है, पेपर कौन सा है, ये सारा का सारा जो है बहुत अच्छे ढंग से आप लिख लीजिए और कम से कम 2 बार उसको जांच लीजिए। क्वेश्चन का जिस पर आपने रोल नंबर लिखा है उसके पीछे का जो आंसर शीट है, पेज है, वो कभी मत लिखिए, क्योंकि अक्सर ही जो आपके पेपर होते हैं उसका पहला पेज फाड़ लिया जाता है और फिक्टिशियस रोल नंबर वहाँ लिख दिए जाते हैं। बोर्ड और यूनिवर्सिटी की क्लासेज में ये अक्सर ही होता है कि आपको रोल नंबर जो आप लिख के आए हो उसको वो फाड़ लेते हैं, टीयर अप कर लेते हैं और उसकी जगह फिक्टिशियस रोल नंबर लगाए जाते हैं। उसके बाद एक तरफ आपको हाशिया लगा होता है, दूसरी तरफ जो आप पेंसिल लेके गए हो उससे कम से कम जो है 2 ऐसे अपनी उंगलियों का या 3 उंगलियों का हाशिया छोड़ दीजिए, लाइनें लगा दो वहाँ पे। फिर पेपर करने शुरू करते हो आप। पेपर करते हुए अपने हाथ के बाईं तरफ, इस तरफ जो है जो हाशिया दिया हुआ है, जो जगह छोड़ी हुई है, उसमें आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना है और आगे ज़रूर लिखना QUES आगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 जो है फिगर 5 जो है उसको आपने डबलिंग में लिख देना है, ताकि कोई भी ये ना महसूस करे कि कौन सा क्वेश्चन आपने किया है, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये वैल्यूएटर उसमें मुश्किल में ना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन ये कर गया, ठीक है। अगर पार्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट हैं, ABCD, क्वेश्चन नंबर 5 ए आपने शुरू किया है, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर लिख के उसके नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 ए या बी या सी या डी,
ठीक है, वो लिख के अगर आप उसकी स्क्वायर बना दो सबसे बढ़िया है। ठीक है, आपकी लिखत ना तो बहुत बारीक हो, छोटी हो और तंग हो, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शब्द हो, हर एक लेटर बहुत मोटा मोटा लिखा हो और सारे पेज में दस पांच लाइनों के अलावा, पांच दस लाइनों के अलावा कुछ भी ना लिखा, बहुत ही ज़्यादा खुला लिखा, वो भी आपका इम्प्रेशन बुरा देते। और अगर बहुत ही आपने तंग लिखा है तो हो सकता है जो जांचने वाला है उसको मुश्किल हो। पेपर को साफ सुथरा करना आपका धर्म है, क्या लिखते हो वो भी ज़रूरी है, लेकिन कितनी सफाई से लिखते हो, कितनी सुंदरता से लिखते हो, वो भी जो है बहुत ज़रूरी है। कई एग्जामिनेशंस में जो है सुंदरता के भी नंबर दिए होते, अच्छी लिखाई के भी नंबर पाँच पाँच तक भी दिए होते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, अगर वो क्वेश्चन आपके पेज के तकरीबन तकरीबन आखिर में ख़त्म हुआ है, दो चार लाइनें रह गई हैं, तो आप जो है वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मत कीजिए, अगले पेज पे कीजिए। फिर हर पेज के नीचे पीटीओ ज़रूर लिखो। जब आप एक पेज ख़त्म कर देते हो लिख के, नीचे लिख दो पीटीओ, ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, पेज टर्न ओवर, इसका ये अर्थ हो गया। ठीक है, अभी आगे भी जांचो। एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका, दूसरा करने लगे हो, तो जहाँ पे आपके क्वेश्चन ख़त्म हुआ है दो लाइनें छोड़ दो, ताकि ऊपर के क्वेश्चन आंसर में और नीचे के आंसर में एक जो है गैप नज़र आए और दोनों अलग अलग नज़र आए, हो सके तो एक लाइन वहाँ पे लगा दो। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपने कभी भी क्वेश्चन पेपर लिखते हुए आखिर में दो चार पेजेस छोड़ के फिर दोबारा लिखना शुरू नहीं करना, हो सकता है वो पेपर आपका ना देखा जाए, गलती से ना देखा जाए और आप मुश्किल में पड़ जाए। अगर गलती से कभी ऐसा हो जाए, उन पेजेस को दो लाइनें लगा के और बहुत मोटा मोटा लिख दो पीटीओ, मतलब सॉरी, या ये भी लिख सकते हैं सॉरी गलती से ये पेज छूट गए, पीटीओ, आगे देखिए जांचिए। आपको ये काम बहुत शिद्दत से और जुम्मेवारी से करने चाहिए। अगर आप ये काम करते हो और आपके जो पेपर है उसको उठाते हुए इवेल्यूएटर ये देखे कि ये क्वेश्चन पेपर, ये आंसर शीट जो है वाकई ही किसी लायक बच्चे की है, बहुत बढ़िया किया हुआ है, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपके क्वेश्चन पेपर ए बी सी डी, जैसे मैंने पहले आपको कहा है, एक ही क्वेश्चन चार पार्ट्स में है, 90% ये कोशिश कीजिए कि वो चारों के चारों पार्ट्स एक ही साथ हों, क्योंकि उनके नंबरों को आगे पीछे लेके जाते हुए इवेल्यूएटर को, आपका पेपर चेक करने वाले को दिक्कत ना हो सके तो अपना क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री ऐसे सीरियल से ही कीजिए, ताकि वो बढ़िया रहे। अगर आपने चुनाव भी करना है, फॉर एग्जांपल आप सोचते हो क्वेश्चन नंबर फोर मुझे अच्छा आता है, क्वेश्चन नंबर फाइव अच्छा आता है, मैं पहले करना चाहता हूँ, उसको पहले करो, लेकिन उसके जितने पार्ट उनको एक साथ ही कर दीजिए। सो बच्चों, ये आपके कुछ टिप्स थे, अगर आप इनको फॉलो करोगे, अच्छी हैंड राइटिंग से लिखोगे, हाँ जी साफ सुथरा लिखोगे, कटिंग्स नहीं करोगे, अगर आप कटिंग्स भी करते हो, अब कटिंग की बात आ गई, आप कटिंग्स कर रहे हो तो कई बच्चे क्या करते हैं कि पेन को लेके जोर जोर से कई बार पेज भी फट जाते हैं, पूरे के पूरे जहाँ कटिंग किया उसको मारते हैं। बस कटिंग करने का एक ही तरीका है, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस थोड़ा सा ऐसे कर दो कि दिख जाए कि ये क्रॉस किया है,
उस पर इंक से जो है पूरा का पूरा काला करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपकी जो है बुरा इंप्रेशन जाएगा। एक पेज पे अगर दो कटिंग्स भी आपकी ही होंगी और उसको उसने आपने पूरा का पूरा इंक से काला कर दिया होगा, तो पूरा का पूरा पेज आपकी प्रतिभा को प्रश्न चिन्ह लगाएगा। सो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही जो है इन बातों का ध्यान रखोगे। फर्स्ट पेज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, जहाँ पे आपने परीक्षा का लिखना है, पेपर का लिखना है। हाँ जी, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिस पे जैसे एप्लीकेशन आ गई, लेटर आ गया, तो ये माना जाता है कि आप अपना नाम ना लिखें, तो वहाँ पे अपना नाम मत लिखिए, रोल नंबर ही लिखिए, ठीक है। सो या कई बार इन लेटर जो एप्लीकेशन में नाम दिया ही होता है, जो नाम प्रश्न में दिया हुआ है वही लिखने की कोशिश कीजिए, वही लिखना है आपने। सो कुछ ये बातें थी, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो आप 4-5 नंबर तो आपके ज़्यादा आ ही जाएंगे जितने की आपने उम्मीद की थी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।